बेवसी ते लाचारी इंसान को जिंदा दफन कर देंदी है। जिवें जो सत अफराद का एक खानदान एक पुरेसरार बीमारी मुबतला थी चुके अते गुरबत परों इलाज तो कासर है। दौलत गेट के रिहायशी शमसुद्दीन के त्रै पुत्र बिलाल हसन महमूद आसिफ ते अठ साला डोहतरी कायनात पुरेसरार तौर ते माजूर हैं अते टूरन फिरन तो कासर हैं जदन जो उन्हां दा जरिया रोजगार भी खत्म थी चुके। मेरे चार बच्चे जो है ना ये मर्ज मुबतला तकरीबन 3 साल अरसे तो असा जो है ना वक् आप जान जिथा जिथा गया से इन्हों का जितना थी सके असा इलाज कराया से लिहाजा हूँ असा जो है ना हार थुक के बह गए से हूँ असा इन्हों का इलाज नहीं करा सकते। वो आदन हूँ हूँ अगे तो चलो लगते हैं लख रुपये हूँ अगले आदन करोड़ों रुपये लगते हैं। पुरेसरार बीमारी 7 से 8 साल की उम्र हमलक रही है अते 14 साल की उम्र तक मुकम्मल माजूर कर देंदी है। 28 साल बिलाल हसन के जिंदगी के ख्वाब बिखर चुके हैं अते पुरेसरार बीमारी उनको खट ते सुमार दिते जेले 7 साल दाम ने इन बीमार जे मुचमलाते हैं जेले 12 साल दाम बिल्कुल खाटे थेरेपियां 8 साल कायनात बीबी ते बीमारी दा इब्तदाई हमला थी चुके जेंदी वजह तो उंदे पैर मुड़न शुरू थी गन अते होनो गाल करेंदे होए रो पोंदी है। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के शहर एक खानदान वजीर आजम तक अपनी अर्जी नहीं पुजा सकया। खानदान के अफराद का आखण है जो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमसाए हैं पर उन्हें तक पहुँचना नामुमकिन है। शाह महमूद कुरैशी सारा हमसाया है नाल बांधे सारे दो त्रै दरखास्त में चाह के गई हैं बंद जो बैठे हैं और में कोई नहीं बहर गए गाल चक्कर अस वापस आ गए से। शमसुद्दीन बालां दे इलाज संगे हैसियत दे मुताबिक अपना सब कुछ ला चुके पर इलाज ते तकरीबन 1 करोड़ तो ज़ायद खर्च पर वो अपने प्यारियों को बचावण च नाकाम है। ई गरीब खानदान दे नौजवान अते मासूम बाल डीहो डी पुरेसरार बीमारी च मुबतला थींदे वेंदन हुकूमती तवज्जो अते मुअसर इलाज नाल इन्हां को बचाया बन सकदे। कैमरामैन ताहिर अब्बास दे नाल जावेद इकबाल अंबर रोई टीवी मुल्तान।